नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 100 न्यूज। दहेज के लोभियों ने आज फिर दहेज की खातिर एक बाप की बेटी को उतारा मौत के घाट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से है, जहां एक बार फिर दहेज की खातिर ससुराली जनों द्वारा दहेज की मांग पूरी न होने की वजह से एक बाप की बेटी को जान से मारने का मामला सामने आया है। कानपुर की रहने वाली कैकसा का निकाह आगरा के थाना लोहा मंडी के खातीपाड़ा के फैजान से हुआ था। निकाह के बाद से ही मृतक कैकसा को लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। पति फैजान और उसके परिवार जनों द्वारा मृतक कैकसा के साथ शारीरिक शोषण व मानसिक शोषण कर दहेज के पैसों की डिमांड की जाने लगी और मांग पूरी न होने के कारण कैकसा को मौत की नींद सुला दिया गया। मृतक कैकसा के परिवार जनों का कहना है कि जब से शादी हुई है, शादी के बाद से ही पति फैजान ससुराल से पैसे लाने का दबाव कैकसा पर बना रहा था। एक बार कैकसा के परिवार ने 1,00,000 रुपया दे दिया। उसके बाद फिर घटना से कुछ दिन पहले पति फैजान ने 50,000 रुपए की डिमांड की, तो कैकसा के परिवार वालों ने 10,000 रुपए कैकसा के खाते में ट्रांसफर कर दिए। बाकी रुपए कुछ दिन बाद भेजने के लिए बोला था, पर फैजान और उसके परिवार की दहेज की भूख न मिटी और कैकसा की जान ले ली। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो सीओ लोहा मंडी समेत लोहा मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई में जुट गई। पुलिस द्वारा सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मीडिया 100 न्यूज आगरा से ब्रजमोहन निगम की रिपोर्ट। लोहा मंडी में एक लेडीज को दहेज के प्रति मौत के घाट उतार दिया। क्या हुआ सर, उसका क्या मामला है? एक दहेज हत्या का प्रकरण कल लोहा मंडी क्षेत्र में सामने आया है। जैसे पुलिस को यह पता चला, मौके पर स्पेशल यूनिट की टीम और थाना पुलिस की टीम अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। लेडी है, उनकी डेड बॉडी को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। 14 महीने करीबन उनकी शादी के लिए शादी को हुए थे। इसमें मुकदमा समुचित धाराओं में पंजीकरण किया जाएगा और अधिक कार्रवाई करते हुए भेज दी गई। क्या घटना हुई आज दीदी? मेरे बहन कल रात में हमसे बात की था, तो वो क्या नाम है उनका? कैकशा। अच्छा, कैकशा ने रात में हमसे बात किया, बहुत परेशान थी, रो रही थी। हमने उससे पूछा, कसम दिया तो कह रही बहन सुबह बताएंगे। फिर उसने सुबह वीडियो कॉल पे बात किया, काम कर रही थी, कमरा पूरा साफ था। आप जाके देखिए, कमरा बिखरा हुआ है। उस लड़की ने कपड़े अपने आदमी के, अपने अपने ससुर के, अपने सास के धुल के रखे। अचानक ऐसा क्या हो गया जो मेरी बहन को अटैक पड़ जाएगा? उस लड़की ने पहना हुआ था लोवर टी शर्ट, अब और पीले रंग की चूड़ी, अब उसके हाथों में रेड पड़ी हुई है और उसने जबरदस्ती सूट पहनाया गया है। क्या कोई बीमार जब पड़ता है तो क्या रुपट्टा ले के मरता है? नहीं ना, अब सिरियानी मैचिंग का रुपट्टा भी रखा हुआ है। हम बस इतना ही कहेंगे, जो जो इसने उसके देखे वो हम मेरा इंसाफ करे, मेरी बहन को इंसाफ दिलाए, इन लोगों को जीने ना दे भाई मेरे। जब रात को आपकी बहन से बात हुई थी तो कोई ऐसी बात बहन ने बताई जो? उसने बताया, इन लोग के बारे में कभी कोई बुराई नहीं करती थी, बस ये कहती थी बहन अभी फोन रखो, उन लोग को काम करना। पता है इन लोग के आगे हर एक काम करती थी भैया। आपको कितने बजे सूचना मिली कि आपकी बहन ने सुसाइड किया है? बहन मेरी ये नहीं सूचना दी गई, ये हुआ हमने फोन जब किया तो ये कह रही तुम्हारी बहन को अटैक पड़ गया है और जल्दी आना है तो आओ, नहीं तो हम मट्टी लगा देंगे। हमने खबरदार जो मट्टी को हाथ लगा दिया। और जब हम यहाँ पे आए, मैंने अपनी बहन का जैसे ही फेस देखा, यहाँ पे चोट लगी थी तो ये लोग भागने लगे। मैंने उस लड़के का हाथ पकड़ा तो यहाँ के मोहल्लों के कुछ लोगों ने, कौन भागने लगा दिया? फैजान, उसका हस्बैंड और जो सास थी वो पहले ऑलरेडी गेट के पास खड़ी थी। जब तुम लोग को डर नहीं था तो तुम लोग दूर क्यों थे? जब मैंने पूरा चेक किया पुलिस वाले, तो उसकी फांसी लगी हुई है, मारा हुआ है, पूरी दीवारों पे खून लगा हुआ है, कमरा बिखरा हुआ है, भैया बहुत बुरी तरह। पुलिस प्रशासन को खबर करी, पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया है? बस कह रहे इंसाफ मिलेगा, कैसे इंसाफ मिलेगा? पकड़ के सामने तो लाइए भाई, पकड़ के सामने तो लाके दिखाओ हमें। हमारी लड़की का, हमारी भतीजी का इन लोगों ने गला दबा के मार डाला। किन लोगों ने? हमारे दामाद ने। क्या नाम है दामाद का आपके? फैजान अली। कहाँ का मामला ये? ये क्या नाम है, लोहा मंडी आगरा का। लड़की का मतलब क्या, पहले से कोई लड़ाई झगड़ा या तबियत खराब थी? लड़की की ना कोई तबियत खराब थी ना कोई लड़ाई झगड़ा था। लड़की से बहुत रोजमर्रा डिमांड की बात थी, दहेज की मांग कर रही थी लगातार। अगले साल ईद में इनको 50,000 रुपये हमने दिए थे नगद।
इस साल क्या नाम है, इन्होंने 50,000 की फिर डिमांड की, तो हमने 10,000 रुपये आज से 4 दिन पहले इनके अकाउंट में लगा दिए। उसका अकाउंट का ब्यौरा भी मेरे पास है, उसका अकाउंट का ब्यौरा भी मेरे पास है। उसके बाद इनसे हमने कहा 30 तारीख तक 40,000 रुपये और आपको भेज देंगे। और आपने दहेज के खिलाफ थाने में तहरीर दी थी पहले? तभी नहीं थी मैंने, इससे पहले नहीं। नहीं, आपको कैसा मालूम पड़ा कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है? सुसाइड लड़की ने नहीं किया है, लड़की का सुसाइड कर दिया गया है। अच्छा जी, आपका कहना है लड़के वालों ने उसे मार दिया? जी, हमसे कहीं लड़की की तबीयत खराब थी, अब हम लेके जा रहे थे ऑटो में, लड़की मर गई, इनका ये कहना था। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हमें अन्याय न्याय चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। हमारी लड़की का जिसे गला दबा के इन्होंने मारा, सर में चोट लगी, पूरी दीवारों में खून इनके मिला, बिस्तरों में खून मिला। भैया मैं लड़की का भाई हूँ। नाम बताया अपना? नाम मेरा वकार खान। क्या घटना हुई आज? घटना हमको भाई करीब 1 बजे हमारे भाई ने हमें फोन किया कि भैया इधर कैसा खत्म हो गई, तो मैं कैसे क्या पता लगा, फिर महल्ले से किसी ने फोन किया, इन लोगों ने हमें रिश्तेदारों को फोन नहीं किया, लड़की वालों ने, लड़के वालों ने किसी ने फोन नहीं किया हमको, ये नहीं खबर दी है कि इधर क्या हुआ क्या नहीं। अब आपको पता लगा कि आपकी लड़की खत्म हो गई, तो आपने यहाँ पर किसी संपर्क करने की कोशिश की थी? किसी का नंबर ही नहीं था, हमें लड़की वालों का नंबर था। तब आप यहाँ आए तो फिर क्या मालूम चला? यहाँ आए तो देखा हमारी बहन मरी पड़ी, रास्ते में इन्होंने हमें फ़ोन किया कि आप लोग जल्दी आ जाओ, इधर मट्टी वट्टी लगानी है, कुशल करवाना है, तो आप 1 घंटा पहले फ़ोन कर देना, जब आसपास आ जाना तो हम तो आपको रिसीव कर लेंगे। हमने कहा जब तक हम नहीं आ जाते हैं मिट्टी को मत छूइएगा, जो पोजीशन होगी देखेंगे, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, मगर दिल को तो ये था कि हमारे बहन के साथ कुछ हुआ गलत। आपने उसके खिलाफ थाने में तहरीर दी? हाँ, तहरीर दी है। आपके आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला कि इंसाफ मिलेगा आपको।